हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हाबी लाबी के ब्यूटी एंड क्राफ्ट सेक्शन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अजमाया हुआ घरेलू नुस्खा। ये देसी नुस्खा है एलोवेरा का। तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एलोवेरा की पत्तियाँ काट ली हैं और ये बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा लिया है मैंने। और कुछ नहीं है इसमें, बहुत थोड़ी सी सामग्री के साथ बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले इनको अच्छे से वाश कर लेंगे और काट के छील लेंगे, पूरा पल्प निकाल लेंगे इसका। इस तरह से काट लिया है मैंने। और ये मसों के लिए और जो इन्फेक्टेड स्किन होती है दाग धब्बों के लिए बहुत ही बढ़िया पैक है। आप इसको फेस पैक के तौर पे या बॉडी पैक के तौर पे यूज कर सकते हैं। पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, नेक पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे पल्प निकाल लिया। पूरा पल्प निकालने के बाद अब इसमें मिलाएंगे एक बहुत ही अच्छी चीज़, ये है हल्दी। और ये हल्दी नॉर्मल हल्दी नहीं है, आपको किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगी। और इसका कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट ये आयुर्वेदिक हल्दी है। और इसको थोड़ी सी मात्रा में ही डालेंगे और दोनों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सी में डाल के दोनों को अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे इसका। अब इस पेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली ये मसों के लिए बहुत ही इफेक्टिव पैक है। आप अगर मसों पे लगाते हैं और 20-21 दिन लगातार लगाते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि मसे सूख के झड़ने लगेंगे। तो अभी मैं आपको इसको हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ। सबसे पहले गुलाब जल से अच्छे से हाथों को क्लीन कर लेंगे और इसके बाद इस पैक को पूरे हाथों पे अप्लाई कर लेंगे। अब अगर आप इसको चाहें तो फेस पे, नेक पे या फिर जहाँ भी आपको मसे वगैरह हैं, झाइयाँ हैं, तो वहाँ पर लगाइए और कम से कम 20-25 मिनट तक के लिए सूखने दीजिए। और जब अच्छे से सूख जाए तो इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे या फिर इस तरह से गीले कपड़े से पोंछ लीजिए और इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है और स्पेशली मसों के लिए तो बहुत ही कारगर। तो मसों के लिए तो कारगर है ही, साथ में इसके स्किन का कलर भी फेयर करता है और झाइयों वाली अगर स्किन है उसको भी क्लीन करता है, झाइयाँ साफ होती हैं। तो आप इस नुस्खे को एक बार आजमाइए ज़रूर और रिजल्ट देखिए। तो ये हमारा जो नुस्खा है एक बार ज़रूर आजमाइए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।